डबरा की पिछोर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन की दीवारें जर्जर हो जाने से बड़े हादसे को न्योता दे रही है। विगत दिनों बरसात का पानी भर गया था, जिससे सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो गई। अब अन्य भवन में खून की जांच की जा रही है। भवन को लेकर पत्र के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई भी जवाब वहां से नहीं मिला। पिछोर का उप स्वास्थ्य केंद्र जहां पर संचालित टीकाकरण एचआरपी क्लिनिक एवं वैक्सीन खून की जांच की जाती है, पिछले दिन लगातार हुई तेज बरसात से अस्पताल में पानी भर गया था, जिसमें सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी थी, जिससे वहां की व्यवस्थाएं फेल हो चुकी। लेकिन जनता की समस्या को लेकर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर डीसीआर द्वारा जो शासकीय आवास उनको आवंटित हुआ था, जनता की समस्या को देखते हुए अपने आवास पर टीकाकरण एचआरपी क्लिनिक और वैक्सीन के लिए खोल दिया गया। क्या है कि इस बस अतिवृष्टि के कारण जल भराव होने के कारण जो स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण कार्य होता था और एचआरपी क्लिनिक भी लगती थी और उसके बगल में किचन भी संचालित थी, इन सभी में पानी भरने के कारण कुछ भी कार्य नहीं हो पा रहा था। इसको उस पीछे की तरफ जो वैक्सीन का कार्य होता था, जो वैक्सीन सप्लाई होती थी यहाँ से गांव गांव के लिए, तो वो भी उसमें पानी भर गया। तो उसको जो मुझे सरकारी आवास जो आवंटित है, तो उस चीज़ को देखते हुए मैंने, चूँकि कार्य प्रभावित ना हो, तो मैंने अपने मुझे जो आवंटित था आवास, उसमें मैंने तीनों को मैंने शिफ्ट कर दिया, ताकि टीकाकरण भी कार्य सुचारू किया जा सके और वैक्सीन का कार्य सारी चीज कर। और इस संबंध में वरिष्ठ कार्यालय को मैंने पत्र के द्वारा अवगत भी करा दिया है, ये कार्य कराया जाए। लोगों को समस्या ना हो और भवन को लेकर पत्र के माध्यम से अपनी वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी कराया गया, लेकिन अब तक इसका कोई जवाब नहीं मिला। दीपक कुमार साहू की रिपोर्ट।